ओम शांति। आज हमारे पास बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आए हैं, जिनमें से कुछ एक के प्रश्न एक जैसे ही हैं, जैसे किसी के योग से जुड़े हुए या किसी के बच्चों से जुड़े हुए या पारिवारिक समस्याओं से जुड़े हुए। तो हम उन सब के मिक्स हुए कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं उन प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न है सुखदेव जी का। वो पूछते हैं कि मेरा बेटा 5 साल का है और वो खूब मुझे परेशान करता है, क्या उपाय है कि वो शांत रहे? देखिए, बच्चे आईना होते हैं, उसमें आप अपने आप को या अपने परिवार की छवि देख सकते हो। आपका बच्चा जैसा करता है, कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा स्वभाव वाला जरूर होगा। बच्चे को चेंज करने से पहले हम बड़ों को चेंज होना पड़ता है, और शुरुआत आप अपने आप से करें, क्योंकि हम औरों को तो चेंज कर नहीं सकते ना। कई बार ऐसा भी होता है जब बच्चा शरारत करता है तो माँ बाप उसकी शरारत पर हंसते हैं, वहीं से बच्चे के बिगड़ने की शुरुआत होती है। आप जैसा सिखाएंगे वो सीखता जाएगा। आप उसकी गलतियों पर ना खुद हंसे ना अपने परिवार वालों को हंसने दें। दूसरा प्रश्न है आशा जी का, छत्तीसगढ़ से। वो पूछती हैं, मेरे लिए योग का 1 घंटा देना बहुत कठिन हो रहा है, उतना समय मैं नहीं दे पा रही हूँ, क्या ये मैं थोड़ा समय के लिए कर सकती हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। आपको बीच बीच में जब भी समय मिले, चाहे 15 मिनट 20 मिनट, आप योग में बैठ जाएं। ये जरूरी नहीं है लगातार 1 घंटा ही बैठा जाए, ये तो आप सबकी अभी शुरुआत है, और शुरुआत में लगातार इतनी देर नहीं बैठ सकते। पर हाँ, इतना जरूर है कि जितना भी आप करेंगे फायदा आपको ही मिलेगा, इसलिए कोशिश करो पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा योग करने की। अगला प्रश्न अंशु जी का, हरियाणा से। वो कहती है, ओम शांति दीदी जी, योग का चार्ट हम फ्रेशर्स को, नयों को भेज सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। आप नयों को भी ये चार्ट दे सकते हैं, पर उन्हें इसकी बेनिफिट्स पता होना जरूरी है। आप उनको बाबा की पहचान दें और थोड़ा योग के बारे में भी समझाएं, फिर ही इससे कुछ फायदा होगा। अच्छा है जितने भी लोग योग करें, बाबा को याद करें, बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है हेमा जी का, दिल्ली से। वो पूछती हैं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है या शरीर मिलने में 13 दिन का समय लगता है? देखिए, कुछ नियम है प्रकृति का, जो 13 दिन तक आत्मा को बिना शरीर के रहना पड़ता है, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक है तो वह तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। लेकिन अगर उस आत्मा का कोई हिसाब किताब रह गया होगा तो वह कुछ दिन, साल, 2 साल बिना शरीर के भी घूम सकती है, भटक सकती है, और समय आने पर, हिसाब पूरा होने पर उसको अपने आप ही शरीर मिल जाता है। ये हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब है, इन बातों में ना जा